अस्सलाम वालेकुम, एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा वर्ड 34 है वो है अनअसेलेबल, और वर्ड 35 है कन्फ्लग्रेशन, एंड वर्ड 36 है नॉइसम। हम मूव करते हैं हमारा जो 34th वर्ड है अनअसेलेबल, उसका मतलब है अनएबल टू बी डिफीटेड, यानी कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी चीज़ जिसको डिफीट ना किया जा सकता हो, जिसे उर्दू में बोलते हैं नाकाबिले शिकस्त। ठीक है, तो अनअसेलेबल उसे बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं इनविंसिबल, इनवॉयलेबल और अनडिफीटेबल। ठीक है, और इसका सेंटेंस जो है, इन द करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान पीटीआई हैज एमर्ज्ड एज एन अनअसेलेबल पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो एक अनअसेलेबल, अनडिफीटेबल, इनविंसिबल पार्टी के तौर पर उभर आई है। ठीक है, ये था हमारा अनअसेलेबल वर्ड। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है उसका मतलब है लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव फायर, कन्फ्लग्रेशन। ठीक है, कन्फ्लग्रेशन का मतलब है लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव फायर। इसके सिनोनिम्स हैं ब्लेज, इन्फर्नो एंड वाइल्ड फायर। इन्फर्नो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है एग्ज़ाम का भी, और न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह कन्फ्लग्रेशन भी बहुत ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQs में बहुत ज़्यादा आया हुआ है ये। इसका सेंटेंस है The conflagration in the forest demanded swift action to avoid catastrophic consequences. अब जो conflagration हुआ है, जो large destructive fire हुआ है, या वो जो forest fire हुआ है, वो क्या demand कर रहा है कि swift action लेने चाहिए government को, ताकि तबाही से बचा जा सके। तो ये था हमारा word conflagration। Next जो हमारा word है वो है noisome। इसका मतलब है extremely unpleasant smell, बहुत ही बदबूदार ऐसे स्मेल जिसको बर्दाश्त ना किया जा सकता हो। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इस तरह के वर्ड्स आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं पट्रिड, रैंसिड एंड मॉल ऑडोरस। मॉल ऑडोरस भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, MCQs में आता आ रहा है। इसका सेंटेंस है द नॉइज़म ऑर्डर फ्राम द स्टैग्नेंट पॉन्ड मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिंगर इन द एरिया। यानी कहीं भी कोई जो पानी खड़ा होता है, तो वहाँ से उसकी स्मेल इतनी बदबूदार होती है कि वहाँ से फिर गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे जगह के लिए फिर हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉइज़म। नॉइज़म ऑर्डर जो होता है, जो बहुत ही बदबूदार स्मेल होती है। तो ये थे आज के हमारे 3 वर्ड्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट 3 वर्ड्स में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।